श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी किराका जौनपुर। ऑनलाइन शिक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों गुड मॉर्निंग, माय डियर स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। आज का विषय इंग्लिश है, क्लास 10 के लिए ग्रामर जिसको बोलते हैं। तो आज का विषय है क्लास टेंथ हो। सब्जेक्ट आपका है इंग्लिश में क्या है बच्चों? ग्रामर। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, इंग्लिश में क्या है? ग्रामर है। पेज नंबर 117 नंबर पर है आपके इंग्लिश रीडर के बुक में, जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों। आज आपको बताऊंगा सब्जेक्ट के बारे में कितने पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, कौन हेडवर्ड होता है, कौन सा क्वालिफायर्स होता है, कौन सा शब्द जो है डिटरमाइनर होता है, कौन सा शब्द जो है वाक्य में जो है नाउन होता है, कौन सा शब्द जो है वाक्य में आपका एडजेक्टिव है। ठीक, अब इसी के बारे में मैं लिखूंगा कुछ लाइनों को, उसके बारे में बात करूंगा और आपको एक एक करके बारी से बारी समझाऊंगा। पिक आउट द सब्जेक्ट, पिक आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इन द फॉलोइंग सेंटेंस, फॉलोइंग सेंटेंस आल्सो पॉइंट आउट, आल्सो पॉइंट आउट द हेडवर्ड क्वालिफायर्स एंड डिटरमाइनर। ठीक है, इसी के बारे में आज मैं बात करूंगा। हमने कहा कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट को पढ़ाया है। पिक आउट मीन्स होता है चुनो। क्या होता है? चुनो। सब्जेक्ट विषय को फॉलोइंग सेंटेंस जो नीचे वाक्य दिया गया है। ठीक, आल्सो पॉइंट आउट और यह भी चुनो, सब्जेक्ट को भी चुनो और यह भी चुनो। क्या चुनो? पॉइंट आउट चुनो, द हेडवर्ड को भी चुनो और क्या चुनना हमको? क्वालिफायर्स को चुनना है एंड डिटरमाइनर को। क्या चुनना है? डिटरमाइनर को। एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपके लिए जो है। अभी कहेंगे सर जी कैसे बता रहे हैं, फिर देख लीजिए। पिक आउट माने चुनो, सब्जेक्ट माने विषय होता है मेरे प्यारे बच्चों। सब्जेक्ट मीन्स विषय होता है इन द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे दिए गए वाक्यों का। सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य होता है। क्या होता है? वाक्य होता है। पॉइंट आउट द हेडवर्ड, आप लोगों को जो है पॉइंट आउट में चुना हेडवर्ड। अभी मैंने आगे बताया था कितने कितने भाग होते हैं सब्जेक्ट के, उसी में आपको क्वालिफाई चुनना है एंड डिटरमाइनर। ठीक बच्चों, एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। EXAMPLE एग्जांपल मीन्स उदाहरण। क्या होता है बेटा? उदाहरण। क्या होता है? उदाहरण। उदाहरण में एक वाक्य मैं लिखता हूँ, मैन इज मॉर्टल। मैन इज मॉर्टल। ठीक, अब आपको इसमें चुनना है क्या सब्जेक्ट है
क्या कौन सा है, इसका आंसर है, आंसर में आंसर नंबर एक में क्या है, सब्जेक्ट क्या है बच्चों, मैन। मैन शब्द जो है इस वाक्य में जो है, ये जो शब्द क्या है, मैन जो है सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट है, जिसको हम हेड वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड वर्ड, नाउन भी बोल सकते हैं। अंडरस्टूड, कोई एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और जो है अब आपको देखना दूसरा मेरा वाक्य है, हमको केवल पहले क्या निकालना था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट निकाले हमने, प्रश्न दिया है, घबराने की बात नहीं है, यह दिया है कि आपको क्या करना है, सब्जेक्ट निकालना है, सब्जेक्ट के बाद ही आपको जो है क्वालिफायर्स को चुनना है, डिटरमाइनर को। अंडरस्टूड, अब चलते हैं हम आपको लेकर के दूसरे सेंटेंस के बारे में। नंबर टू, ए ब्यूटीफुल गर्ल इज देयर, ए ब्यूटीफुल गर्ल, ए ब्यूटीफुल गर्ल इज देयर, ठीक। ये मेरा वाक्य है आपको समझने के लिए, इसमें आपको छाटना है क्या कहाँ पर है, डिटरमाइनर कौन है, कौन से शब्द को है, क्वालिफायर्स है, आपको छाटना है, इसका आंसर निकालेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, ए क्या है इसमें, ब्यूटीफुल क्या है, ए जो है निकालिए हम, डिटरमाइनर छाटेंगे, डिटरमाइनर में ए डिटरमाइनर शब्द, इस वाक्य में जो है ए शब्द क्या है, डिटरमाइनर है, क्या है, डिटरमाइनर, ठीक। पूरे वाक्य में ए ब्यूटीफुल गर्ल इज देयर, ए ब्यूटीफुल गर्ल इज देयर, तो ए शब्द जो इसमें डिटरमाइनर है, ठीक है। ब्यूटीफुल माने एक सुंदर लड़की वहाँ पर है, इसका हिंदी में अर्थ निकलता बच्चों, एक सुंदर लड़की वहाँ पर है, या ब्यूटीफुल माने अति सुंदर, एक अति सुंदर लड़की वहाँ पर है। अब दूसरा छाटना है, इसमें एडजेक्टिव कौन है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल शब्द जो है एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, हेड वर्ड में गर्ल हो गया, हेड वर्ड, हेड वर्ड में क्या आता है बच्चों, गर्ल, अभी हमने बताया था गर्ल, गर्ल मीन्स क्या आता है, गर्ल मीन्स क्या होता है, लड़की, लेकिन उच्चारण जो होता है गर्ल में, आप लोग कभी कभी भ्रमित हो जाते होंगे, कंफ्यूज होता हो जाते होंगे कि कैसे कैसे शब्द है पढ़ने में लिखा रहता है विदाउट मात्रा का, कभी कभी मात्रा का शब्द होता है, कैसे, इसका सूत्र है गर्ल का, जी आई आर एल, गर्ल, आर के पहले आई जब आता है बच्चों उसका उच्चारण अ हो जाता है, ओके, नो प्रॉब्लम, ओके, अ हो गया आई को, गर्ल जिसे बॉर्ड, बी आई आर डी, ठीक है, इसी हिसाब पढ़ेंगे नहीं कि बच्चे समझते हैं कि सर ये मात्रा मिला दे, बीड, गिरल, ठीक, गलत हो जाएगा, ठीक, समझ गए मेरी बात को। अब चलते हैं मैं कुछ एक्सरसाइजों को समझाने के लिए, आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ होमवर्क में, और पहली एक्सरसाइज है रहेगा आपके लिए, दूसरा है, कुछ शब्द है पिक आउट करना है, नंबर एक है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज टू, ठीक है, पेज नंबर 117, ठीक है, आपको करना है नंबर एक में बच्चों, पहले डैश डैश, ठीक, साइड देयर, साइड देयर, ओल्ड मैन,
ओल्ड मैन द, ठीक है। इसी तरीके से आपकी बोर्ड की भी परीक्षा में आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो एक नंबर का होता है बच्चों, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसी में बताना है, आपको भरना है कौन शब्द पहले, तभी हमने डिटरमाइनर कौन है, कौन नाउन है, कौन हेडवर्ड, इसी तरीके भरना है। तो आप सर्वप्रथम यहाँ चलेंगे द, क्या भर देंगे द, क्या भरेंगे बच्चों द, द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन सैट देयर, बूढ़ा आदमी वहाँ पर बैठा था, बूढ़ा आदमी वहाँ पर बैठा था, ऐसे आपको भरने के लिए आएगा। तो तीन एक्सरसाइज आपको बता देता हूँ, आपको करने के लिए दे देता हूँ, दूंगा। ओल्ड मैन सर्वेंट, ओल्ड माय शेरवांट सर्वेंट, ठीक। इसके आगे कुछ भरना है, वेंट होम, ठीक है, वेंट होम यहाँ हो जाएगा। माई ओल्ड सर्वेंट वेंट होम, ठीक है। इस तरीके से कई हैं बच्चों, और एक्सरसाइज नंबर तीन बताऊंगा, इसी के आधार पर आपको करना है आगे पीछे कर कैसे कैसे भरना है। नंबर एक है सम नेटिव डबल डैश डैश, ठीक ऐसे रहेगा आपको क्यूरल, क्यू बंक नाटी बॉय, नाटी बॉयज सम। आप जो पहले की बात जिसको छाटेंगे, पहले की बात इसको छाटेंगे, ठीक है, कि क्या चीज़ है, हमने देख देख कर बताया क्या है कहाँ से। तो अब देखेंगे कि सम नाटी बॉय, तो पहले इसमें भरेंगे सम, क्योंकि हमको अलग से करना है सम नाटी, पहले डिटरमाइनर क्वालिफायर्स रखते हैं बच्चों, तब क्या रखते हैं एग्जेक्टिव रहते हैं नाटी, फिर क्या रखेंगे वाह हेडवर्ड क्यूराइड, ठीक है। दूसरा का है आपका जो है इज ए फेमस, क्या लिखा है इज ए फेमस एक्टर, इज ए फेमस एक्टर, शब्द क्या क्या है सम वाज, नहीं हिज ब्रदर एल्डर, हिज ब्रदर एल्डर, तो जो है कि यहाँ से हो गया आपको भरेंगे, फिर देखिए चलिए क्या भरना है। तो हिज एल्डर ब्रदर क्या आ जाएगा, हिज एल्डर, ठीक बच्चों। दो तीन एक्सरसाइज मैं करके दे देता हूँ, बता के दो तीन वाक्य का, आप जो इसी आधार पर करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपके बुक में भी दिया है, कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आजली आप कर लेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। आगे के लिए कल मैं इसी में चलूँगा,
पेज नंबर जो है, पेज नंबर जो है 17 पर था। अब आपको 18 पर ले चलूँगा। कुछ नए एक्सरसाइज नंबर 4 के बारे में बात करूँगा कल। आज के लिए बच्चों इतना ही है। कल के लिए आपको एक्सरसाइज नंबर 4 के बारे में बात करूँगा। और मैंने हर पहली एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज का 2-3 एग्जांपल दिया है, और जो है कि दूसरी एक्सरसाइज तीसरी का भी 2-3 एग्जांपल दिया है। आप उसी के आधार पर पूरा भर लेंगे, ठीक है? ओके, धन्यवाद, गुड आफ्टरनून बच्चों।